नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है, क्या खबरें हैं। पहली खबर सोने चांदी को लेकर, जहां पर उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। चांदी का भाव 68,400 रुपये के करीब है और हफ्ते भर में चांदी में एक बड़ा उतार चढ़ाव हमने देखा है। और जो कहानी अमेरिका में आई कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई चांदी में बाइंग करने की, और जो कहानी गेम स्टॉप में हुई वही चांदी में भी हुई, लेकिन वो ट्रेंड चला नहीं और मार्केट बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ यहाँ पर ट्रेड किया पिछले 4-5 दिनों में। अब बाज़ार इस वक्त करीब करीब 400 रुपये ऊपर है, 67,911 ये चांदी का ताज़ा भाव है। इसके अलावा सोने में मामूली तेज़ी है, 2 दिनों में 1400 रुपये तक सस्ता होने के बाद आज हल्की तेज़ी गोल्ड की कीमतों में आई है। करीब 50 रुपये ऊपर है MCX पर गोल्ड का भाव, 47,874 का लेवल दिख रहा है। क्रूड की बात करें तो क्रूड का भाव एक साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। ब्रेंट क्रूड का भाव $58 के करीब है, 1% की तेज़ी है। WTI क्रूड का भाव $55 के ऊपर है, 0.5% मजबूत है। MCX पर भाव भी बढ़ा हुआ है, करीब करीब 27 रुपये ऊपर है। इसके अलावा नेचुरल गैस में प्रॉफिट बुकिंग आई है अच्छी तेज़ी के बाद, और आज दाम इस वक्त करीब करीब आप देखें तो गिरावट है करीब 0.25% की और 210 के नीचे आ गया है। खाने के तेल की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट आ गई है। सोया तेल वायदा करीब 2% टूट चुका है। क्रूड पाम तेल, सोयाबीन में भी गिरावट है और इस वक्त सोया तेल का भाव 1,090 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं, क्या किया जाए आज शाम के कारोबार में, गोल्ड में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? जी नमस्कार। गोल्ड में हमने देखा है कि जब से इंपोर्ट ड्यूटी कट आया है तब से ऑब्वियसली 0.25% का जो एक इम्पैक्ट था वो तो देखने मिला ही है। साथ ही साथ वहां से स्पॉट गोल्ड प्राइसेस भी नीचे आई है, तो 1865 के आसपास थी, अभी 1835 के करीब है और 1830 के कल हमने लो भी देखे थे। तो एक लगातार कहीं ना कहीं दबाव बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी और हमारे मार्केट में भी, और मुझे लगता है कि जो दबाव है ये एक्सटेंड होगा। प्योरली इंट्राडे की बात करें तो 48,200-50 के जब तक नीचे है तब तक सेल ऑन रैली इसकी रणनीति अपनानी चाहिए। 48,000 या 48,050 एक मामूली सी बढ़त अगर मिले शाम के सेशन तक तो एक बढ़िया सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। डाउन साइड में 47,650 का एक नया रीसेंट लो बन सकता है, क्योंकि कल के लोस जो थे 47,750 थे, उसके नीचे एक बार देखने मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, चांदी में अब क्या किया जाए? एक भारी उठापटक का माहौल हमने मार्केट में बनते हुए देखा, अब क्या बाजार कुछ स्टेबल होगा, कुछ ट्रेड लेना चाहिए, क्या सुझाव होगा आपका चांदी में? जी देखिए, चांदी में डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि एक शॉर्ट टर्म में एक स्पाइक जरूर देखने मिला था, लेकिन इसमें जो नेट शॉर्ट का फिगर है वो है ही नहीं, इनफैक्ट नेट लॉन्ग्स है फंड्स, तो वो एक सस्टेनेबल तेजी नहीं थी कहीं ना कहीं। और गोल्ड क्योंकि तेजी नहीं दिखा रहा है तो चांदी में भी तेजी सस्टेनेबल नहीं होती है, क्योंकि दोनों में ट्रेंड्स जो होते हैं जनरली साथ में ही होते हैं। तो गोल्ड गिरा है तो साथ ही साथ चांदी भी नीचे ड्रैग हो गई है और मुझे लगता है यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। डॉलर टर्म्स में $27.5 के नीचे, यानी जब तक हमारे मार्केट में 69,000 के नीचे प्राइसेस बने हैं तब तक उछाल पे बिकवाली कर सकते हैं, और डाउनसाइड में कल के लोस जो थे वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं, यानी 67,300 से 400 जोन के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है। क्रूड पर आपका क्या व्यू है अमित जी, क्योंकि कच्चे तेल में एक तेजी आई है और एक साल की ऊंचाई पर है क्रूड का भाव, सप्लाई को लेकर खबरें आ रही हैं कि कम होंगी सप्लाई, तो क्या अब यहाँ पर अभी और तेजी की गुंजाइश है, खरीदना चाहिए, क्या सुझाव आपका? जी देखिए, ओपेक की लगातार कटौती के बाद हमने देखा है कि सप्लाई जो है लिमिटेड है, US में और चाइना में इन्वेंट्री लेवल्स जो है लगातार घटते आ रहे हैं, तो सप्लाई फ्रंट पे फिलहाल एक लिमिट है और डिमांड रिवाइव हो चुकी है काफी हद तक, ऑलमोस्ट 6 या 7% ही कम है, जबकि एक टाइम पे 20% कम थी। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये कंटिन्यू होगी। प्योरली इंट्राडे की अगर बात करूँ तो जब तक एटलीस्ट 3950 के ऊपर है तब तक हर डिप पे बाइंग की जा सकती है। 4060 का एक इनिशियल टारगेट होगा और हो सकता है एक्सट्रीम केस में रैली 4100 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी क्रूड के ऊपर।
ठीक है, इसके अलावा कॉपर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में क्या करना चाहिए? जी देखिए, कॉपर में जो हमने लगातार 6 या 8 महीनों से जो एक अप ट्रेंड देखा था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है पॉज हुआ है। 610 से 615 का जो एक है अभी पोजिशनल रेजिस्टेंस की तरह एक कर रहा है, और शॉर्ट टर्म बेसिस भी मुझे लगता है जब तक 596 से 97 के नीचे है तब तक इंट्राडे ट्रेंड भी नेगेटिव है, और कल के जो लोज थे 588 के करीब के वो रीटेस्ट हो सकते हैं। तो मैं करंट मार्केट में बिकवाले की सलाह दूंगा और 596 के ऊपर के स्टॉक हूँ। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी कॉपर के ऊपर। ओके, बुलियन इंडेक्स, बुलडेक्स, क्या यहाँ पर कोई ट्रेड लेना अभी ठीक है इस उतार चढ़ाव के बीच? जी बिल्कुल, देखिए बुलियन इंडेक्स एक कंपोजिट है गोल्ड और सिल्वर दोनों का, और क्योंकि दोनों ही फिलहाल नीचे पॉइंट कर रहे हैं तो बुलडेक्स भी नीचे जा सकता है। 15,100 के ऊपर अगर मिले बुलडेक्स तो एक अच्छा मौका होगा बिकवाली का, और डाउनसाइड में मुझे लगता है कि 15,050 और उसके बाद हो सकता है एक्सट्रीम केस में 14,980 यानी 15,000 के नीचे के भाव भी देखने मिल जाए। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि आज कमोडिटी में कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।